बेटे एक तो होती है स्मॉल डी और कैपिटल डी, ठीक है। स्मॉल डी और कैपिटल डी आपको ये बताता है कि कोई लीवो है या डेक्स। स्मॉल डी और स्मॉल एल, एक होता है कैपिटल डी और कैपिटल एल, और इस पे एमसीक्यू बहुत बारी आ चुका है, ठीक है। जैसे कि दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड, स्मॉल डी स्मॉल एल आपको बताता है कोई कंपाउंड डेक्स्ट्रो है या कोई कंपाउंड लीवो है, ठीक है। अब ये तो डीएल होगी, अब ये एक बेटे ग्लिसराइल्डिहाइड मॉलिक्यूल है। अगर इसमें ओएच इस तरफ हो, इसको कैपिटल डी से बताते हैं, ठीक है। अगर ये मॉलिक्यूल में ये OH इस साइड हो तो इसे एल ग्लिसराइड बोलते हैं, एल ग्लिसराइड। वो डी है, ये एल है, ठीक। अब वैसे ही बेटे ग्लूकोज आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये डी और ये एल क्या बता रहा है। ये डी और एल आपको ये नहीं बता रहा है कि ये डेक्स्ट्रो है या लीवो है। हमने एक मॉलिक्यूल, ठीक है, को एक स्टैंडर्डाइज मान लिया, जैसे आप एटम में कार्बन को स्टैंडर्डाइज मानते थे, वैसे इसको स्टैंडर्डाइज मान लिया। उसके बाद जब हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर तो OH इस तरफ हो तो इसको क्या बोलोगे, एल। अरे हमें पता है OH किस तरफ होते हैं, इस तरफ, तो इसे बोलोगे डी। ये डी ग्लूकोज है, हमने इसके साथ इसको कंपेयर किया, ठीक है। ये जो ये फर्स्ट ये वाली कार्बन को छोड़ के इस कार्बन को कंपेयर किया जाता है, ये वाली कार्बन को छोड़ के ये वाली कार्बन को ये वाली कार्बन के साथ कंपेयर किया जाता है, तो ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है कि इससे हमने इसको रिलेट किया, ठीक है। इससे रिलेट करके अगर ये वाली कार्बन पे OH इस तरफ हो तो इसको डी ग्लूकोज बोलोगे, अगर OH उस तरफ हो तो ये एल कहलाएगा, ठीक है। ऐसा ये बनाना नहीं आता, असर्शन रीजनिंग भी आ जाता है, ये डी और एल क्या है, कैपिटल डी क्या है, ये कैपिटल डी क्या बता रहा है, ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है। स्मॉल डी आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी बताता है, या प्लस साइन बीच में होता है या माइनस होता है, जो लीवो बताता है। ये आ चुका है, कितनी बारी आ चुकी है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं डी प्लस ग्लूकोज, इसका मतलब वो ग्लूकोज कैपिटल डी से ग्लिसराल्डिहाइड है रिलेटिवली, प्लस का मतलब वो डेक्स्ट्रो है और वो ग्लूकोज है। कैपिटल डी, अगर मैं डी प्लस ग्लूकोज लिख दूं तो आप इससे क्या समझोगे, कि ये जो कार्बन है इसकी राइट साइड पे OH है, प्लस का मतलब ये डेक्सट्रोरेटेटरी है और ये ग्लूकोज है,
ये डी का मतलब मैं अभी क्या समझा रही हूँ, कैपिटल डी सिर्फ रिलेटिव कंफिगरेशन के लिए होता है, स्मॉल डी आपको डेक्स्ट्रो बताता है। समझ आ गई, गेटिंग माई पॉइंट? ये आपने फर्क देखना होता है सेशन रीजन में, यही पूछते हैं कि दिस डी टेल अस दैट लीवो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये लिखा होगा, लिखो द डी प्लस ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एज देयर इज कैपिटल डी, या डी एस लिखोगे, डी इज रिटन इन फ्रंट ऑफ, तो फिर रीजन में लिखा होता है बिकॉज डी कैपिटल लगा के, डी टेल अस इट इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो बच्चे इसको ट्रू कर देते हैं, क्योंकि कैपिटल डी नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी, कैपिटल डी या कैपिटल एल सिर्फ रिलेटिव कंफिगरेशन है, स्मॉल डी या स्मॉल एल है वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी। बात समझ आई इतनी पहले? ये बच्चे स्किप कर देते हैं। फिर उसके बाद आ जाओ, हमने कहा कल कि ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ साथ क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है, ऐसा क्यों? कुछ रिएक्शन है बेटे एल्डिहाइड की जो ये शो नहीं करता, जैसे कि सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन, ठीक है, और भी कई रिएक्शन है जो ये रिएक्शन शो नहीं करता, तो ऐसा क्यों है? राइट डाउन, एक होती बेटे 2,4-DNP, वो भी रिएक्शन ये शो नहीं करता, तभी तो मैंने कहा है कि +2 वालों ने, ये बोर्ड वालों ने एल्डिहाइड कीटोन पहले ना रख के बहुत गलती करी है। 2,4-DNP एक ब्रैडीज रिएजेंट है, सुन लो बस आप, जब किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन को 2,4-DNP जिसे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजिन कहते हैं, उसके साथ कोई भी एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट करता है तो आपको ऑरेंज या रेड पीपीटी मिलती है, मगर ग्लूकोज को जब हम रिएक्ट करते हैं तो ये नहीं मिलते, मगर हम ग्लूकोज में एल्डिहाइडी ग्रुप एस्टेब्लिश कर चुके हैं तो ये मिलने चाहिए, ये मिलने चाहिए ना, क्योंकि जो ब्रैडीज रिएजेंट है 2,4-DNP, 2,4-DNP डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, ये एल्डिहाइड के टोन में आएगा, ठीक है, वो जब रिएक्ट करता है किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन से तो ऑरेंज हाइड्रोजोन बनता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजोन, जोन्स बनते हैं जिनके ऑरेंज रेड या येलो पीपीटी होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये ऑरेंज रेड या येलो पीपीटी नहीं बनाता भाई, अब हम इनसे क्वेश्चन पूछते हैं भी, अगर इसमें एल्डिहाइडी ग्रुप है, हमने स्ट्रक्चर कर लिया तो इसको बनाना चाहिए, ये ऐसा क्यों नहीं करता? तो आंसर ये है क्योंकि ये रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और हमें कैसे पता रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो हमने इसकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की क्रिस्टलाइजेशन करी, सॉल्यूशन क्यों किया? सैचुरेटेड और क्रिस्टलाइजेशन करी, तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हमें डिफरेंट डिफरेंट ग्लूकोज ऑब्टेंड हुई, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट ग्लूकोज ऑब्टेंड हुई, वो कैसे देखो, ये हमारी ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है बेटे दो स्ट्रक्चर्स के साथ। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे कि
ये वाला जो एच है यहाँ से निकाल दोगे, ध्यान से समझो पहले स्ट्रक्चर, तभी रिंग बनाओगे बाद में, रिंग भी बनवानी है मैंने अभी। ये एच यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है? और ये एच यहां से निकल के ये वाला जो ऑक्सीजन है, लेट मी ड्रॉ हियर, तीन चार, अब ये वाला जो ऑक्सीजन है देखो ध्यान से, ये हम बीच में ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? और ये वाला इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, कर रहा है। अब कार्बन की वैलेंसी क्या हुई, 1 2 3 4, तो ये एक बॉन्ड यहां चला जाएगा, ठीक है? और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, समझ गए? ये ऑक्सीजन है ना, इसके ऊपर ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा। अब इसको इस वे में ड्रॉ करो कि ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है और ये यहां लिंक है, समझ आ गई कैसे बनाना है स्ट्रक्चर? गेटिंग माई पॉइंट? ये अल्फा फॉर्म है, अल्फा एनोमर है, साइक्लिक अल्फा फॉर्म है, जब OH इस तरफ, ठीक। अब एक बीटा फॉर्म है जिसमें OH आप इस तरफ दिखाओगे, इन्हें कहते हैं एनोमर्स। जो C1, ये C1 कार्बन है ना, जिनकी कंफिगरेशन C1 कार्बन पे डिफरेंट होती है, ठीक है? C1 कार्बन पे डिफरेंट होती है। अल्फा का मेल्टिंग पॉइंट है 419 एंड बीटा का है 423। लिखो, मैं समझाती हूँ फिर आपको। बेटे इसमें वह इस तरफ है,
इसमें ओ एच उस तरफ। अब ध्यान से समझो, कुछ हमें एल्डिहाइड की रिएक्शंस मिली, कुछ एल्डिहाइड की रिएक्शंस नहीं मिली, नहीं मिली ना, ठीक है। कहते जी ओपन चेन अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म एक दूसरे के सब इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। ये जो फॉर्म है ये दोनों सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बना लेते हो ग्लूकोज का तब ऑब्टेन होती है। ये कब ऑब्टेन होती है? 303 केल्विन पे, ठीक है। ये कब ऑब्टेन होती है? 317 केल्विन पे। इस फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 419। उस फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 423 केल्विन, ठीक। ये भी म्यूटा रोटेशन, मतलब ये भी लाइट को रोटेट करती है, ये भी लाइट को रोटेट करती है, वो भी लाइट को रोटेट करती है। ये 112 के एंगल पे करती है, वो 19 के एंगल पे करती है। समझ आ रही है? अब क्वेश्चन था हमारे मन में कि अगर ये रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो ये एल्डिहाइड की रिएक्शन क्यों दिखा देती है ना। तो इन्होंने बताया कि अगर हम इक्विलिब्रियम में देखें तो 36% ये मिली, 0.5 ये मिली, 63.5% ये मिली उनको। समझ आ रही है? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ये 0.5% एग्जिस्ट करती है तो कुछ रिएक्शन एल्डिहाइड्स की ये दिखा देती है। समझ आई कुछ आगे? तो ये इनकी परसेंटेज है, दिस इज द परसेंटेज कि इतनी परसेंटेज ओपन चेन एग्जिस्ट करती है इसलिए ये कुछ एल्डिहाइड की रिएक्शन दिखा देती है, सब नहीं दिखा पाती। उसके बाद देख रहे हैं जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो रिंग में चला गया। या तो OH इस तरफ होगा तो अल्फा फॉर्म है, जब OH इस तरफ होता है तो बीटा फॉर्म है। इन्हें एनोमर्स कहा जाता है जो C1 कॉन्फिगरेशन में डिफर करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, दिमाग समझ आई? अब इसको रिंग में बना के देखो, रिंग में पायरानो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ये ऑक्सीजन है, ये कौन सी ऑक्सीजन है? ये वाली ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन को छोड़ के इस रिंग में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। ये तो रिंग से बाहर है तो ये ऑक्सीजन यहां रख दिया हमने। ये एक कार्बन 1 2 3 4 5। समझ आई? अब इस कार्बन पे ये फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट वाला, इस कार्बन पे ये OH नीचे है, ये H ऊपर है। इस कार्बन पे ये सारे बना दूं आपको, ठीक है। इस कार्बन पे, अब इस कार्बन पे क्या है? ये भी OH नीचे है और H ऊपर है। इस कार्बन पे H ऊपर चला गया, OH नीचे आ गया। इस कार्बन पे H ऊपर है, OH नीचे,
ठीक है, उल्टा बनाओगे बस। ये ओ एच इधर है, ये ओ एच इधर आ गया, ये नीचे आना चाहिए था। ठीक है, अब ये कार्बन, ये वाली कार्बन आ गई ना जो ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड है। अब इस कार्बन के साथ ये भी तो लिंक्ड है, है नहीं? तो इस कार्बन के साथ ये लिंक्ड है और यहाँ पे एच भी है। ठीक है, ये क्या बन गई? अल्फा ग्लूकोज। अब बीटा बनाओ अपने आप, बीटा बनाओ। बीटा और अल्फा में सिर्फ C1 कॉन्फ़िगरेशन का फर्क है। सिर्फ आपने बीटा में ये ओ एच ऊपर कर देना है, एच नीचे कर देना, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। अब आप जो बेटे फ्रक्टोज पे, इसका सिर्फ स्ट्रक्चर करना है, डाई और ट्राई अब सिलेबस में नहीं है, सिर्फ मोनो है, उसमें ग्लूकोज ही है, पर फिर भी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आ जाता है तो कर लो। फ्रक्टोज एक कीटो शुगर है, मतलब इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये दोनों ही हमें सुक्रोज से मिलती है। अगर आपको थोड़ी काइनेटिक याद हो तो काइनेटिक में हम इनवर्ट शुगर की बात करते थे, थोड़ी सी याद है इनका काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है तो आपको क्या मिलता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, याद है? अगर हम प्रेपरेशन भी करें तो C12H22O11 की हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद आपको एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलता है और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का मिलता है। भूल गए? सुक्रोज एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर होती है, याद है? और फ्रक्टोज एक लीवो है। जब ये लीवो रोटेटरी मिलती है तभी हम कहते हैं इनवर्ट शुगर वाली रिएक्शन है। इनवर्ट मतलब सुक्रोज से हमें ग्लूकोज भी मिलता है और फक्टोज भी मिलता है। समझ आई? अब इन दोनों में फॉर्मूला तो सेम है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है बेटे, इसमें कीटोनी ग्रुप होता है। कैसे? ये देखो CH2OH, सी डबल बॉन्ड ओ,
ठीक है, हमने यहां से एक एल्डिहाइड हटा के यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप ले जो यहाँ पे होता था, और यहां से अल्कोहलिक लेके यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप कर दिया। कीटोन तो बीच में ही आता है, अब इसकी भी रिंग ऐसी ही बनती है बेटे, मगर इसकी जो रिंग है वो फ्यूरिनोज जैसी होती है। फ्यूरेन एक फाइव मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। जब जेईस की तैयारी करते हो ना, ये आम ही पढ़ते हो, पिरिडीन, पायरोल, थायोफीन, फ्यूरेन। फ्यूरेन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। अब उसमें सिक्स मेंबर्ड रिंग बनी थी, इसमें बेटे फाइव मेंबर रिंग बनेगी। क्यों? क्योंकि इसमें हम इसको इससे लिंक करेंगे। अब ये भी रह गया ऊपर और ये भी रह गया नीचे, बीच में क्या रहा? सेम, देखो ये वाला दिख रहा है आपको, वहां सेम, यहां से आप एच निकाल लोगे, ये वाला ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा, आ गया। ये वाली रिंग यहां बनेगी, बन गई। जब रिंग यहां बन गई तो ये CH2OH हो गया, और यहां पे जो ओ है उसके साथ H आ गया। बहुत समझ, जो ऊपर CH2OH लटक रहा था मैंने यहां दिखा दिया, और इसके पास जो डबल बॉन्ड O था वो एक सिंगल बॉन्ड बन गया, उसके साथ क्या आ गया? H। सेम इसमें भी OH इस तरफ भी हो सकता है, OS इस तरफ भी हो सकता है, सेम। अब इसकी रिंग बना के देखो कैसे बनाओगे, बीच में ऑक्सीजन रखोगे यहां पर, ठीक है। अगर मैंने ये इस तरफ कर दी, दोनों फॉर्म बनानी है इसमें भी अल्फा और बीटा, ये बीटा फॉर्म है क्योंकि OH इस तरफ है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन, ये C1, ये वाली कार्बन है, ये वाली कार्बन है, ठीक है। अब इस कार्बन पे क्या लिंक देंगे दोनों? तो ये ऊपर है और ये नीचे, ये वाली कार्बन पे ये OH ऊपर है और ये नीचे ये वाली कार्बन पे H ऊपर OH नीचे। अब ये वाली कार्बन आ गई, इस कार्बन के पास क्या लगा हुआ है? H, और ये समझ आई। अब दूसरी फॉर्म भी बनाओ यहां पे कॉन्फिगरेशन चेंज करके, हरी अप इसको ऊपर ऊपर जाएगा, ये बीटा होगी ना, वो एच उधर करोगे तो अल्फा होगी। इसको ऐसे देखो मॉलिक्यूल को, ऐसे इसको ऐसे ऐसे कर लो, तो ये OH कहाँ चला जाता है? ये वाली चीज ऊपर आ गई ना, ये अगर ऐसे रिंग बनाने की कोशिश करो तो आपको यही मिलेगी। इसको ऐसे करके देखो, इमेजिनेशन में लेके जाओगे तो ये अपने आप बन जाएगी, ये चीज ऊपर आ जाएगी, ये देखो ये चीज ऊपर, ये नीचे,
करें आगे। अब हो गया, नेक्स्ट है बेटे डाई भी सेवस में कट गया है, पॉली भी कट चुका है। अब नेक्स्ट आता है टॉपिक प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड से पहले क्या होता है? पेप्टाइड लिंकेजेस, पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करते हो तो पेप्टाइड्स मिलते हैं, पेप्टाइड्स की हाइड्रोलिसिस करते हो तो डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। प्रोटीन से हमें क्या मिलते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स से हमें मिलते हैं अमाइनो एसिड्स। अब ये अमाइनो एसिड्स टू टाइप के हैं, वन इज असेंशियल एंड वन इज नॉन असेंशियल। असेंशियल कौन से होते हैं बेटे? जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकते, जो हमें बाहर से खाने ही पड़ेंगे। ठीक है, नॉन असेंशियल जो हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है, तो हमें बाहर से लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमें फूड से वो लेने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई? व्हाट आर असेंशियल? ये पहले तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही आया था सीधा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। अब पता नहीं क्या आना है। ये बड़ा इजी चैप्टर लगता था, अब तो एमसीक्यू है। अब आपका होमवर्क ये है कि एनसीईआरटी चाहे कोई रेफरेंस उठा रहे हो तो आपको अमाइनो एसिड्स लिखे हुए मिलेंगे, उसमें से जो स्टार लगे हुए हैं वो असेंशियल है, तो आपको याद करने पड़ेंगे कौन से असेंशियल है कौन से नॉन असेंशियल है। ये खुद ही याद करो अब, क्योंकि एमसीक्यू आएंगे तो अब इसमें से ही आएंगे कि इन चारों में से कौन सा असेंशियल है, इन चारों में से कौन सा नॉन असेंशियल है। ठीक है,